कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के आदेश प्रदान कर दिए विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय को कई पत्र भी दे दिए, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय पद्धति के विरोध में कार्य किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों को कोई दोष नहीं है, जो कर्मचारी अपना सेवानिवृत्त हुए हैं उनको प्रलाभ आज तक नहीं मिला है, उसके लिए लड़ाई है। दो तरीका का वेतन यहाँ कर दिया गया तो राजस्थान सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल भेजा था, उसने वो रिपोर्ट पूरी दी हुई है। उस रिपोर्ट में 178 कर्मचारियों का 176 के करीब हैं उनका कोई दोष नहीं है। और पूर्व के कुलपति महोदय द्वारा राज्य सरकार के विरोध में वेतन नियतिकरण कर दिए गए, इसके संदर्भ में प्रार्थियों द्वारा पूर्व में भी जानकारी दी गई, उस जानकारी के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा जाँच कराई गई, उस जाँच में अनियमित और नियमित भुगतान के दोनों की तुलनात्मक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को दी गई है। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरीका से पूर्व में अनियमित भुगतान का फिक्सेशन 24 घंटे के अंदर कर दिया, एरियर राशि को 4 दिन में ही ले लिया, तो निर्दोष कर्मचारी जिनका कोई दोष नहीं है और जो बेचारे सेवानिवृत्त होते हैं उनको कोई वेतन नहीं मिल रहा है। और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर अपना वेतन नियतिकरण कराना चाहते हैं सातवें वेतन आयोग का, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के आज आपने क्या किया? आज हमने उसके कुल सचिव महोदय को इस बारे में ज्ञापन दिया, पूर्व में कई बार लिखित में और मौखिक में दिए जा चुके हैं। पत्रावलियों को नियमों में होने के बावजूद जानबूझ करके इधर से उधर किया जा रहा है नियम में। और जिस कर्मचारी का बढ़िया व्यक्तित्व है या जिसकी सेटिंग है उस आधार पर काम हो रहा है, हम चाहते हैं कि नियम से सभी कर्मचारियों पर एक समान नियम लागू हो और कार्यालय पद्धति नियम की और जो वित्तीय अनियमितता हुई है वो उसकी जांच कराई जाए। मेरा नाम है उमाशंकर शर्मा, MDS यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बहुत सेम बरता, 4 साल हो गई हमने प्रशासन के साथ में कभी केवल पत्राचार किया, उनको बार बार अवगत कराया, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को, सबको हमने लिखित में रजिस्ट्री पत्र द्वारा सूचना भेजी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, निर्दोष कर्मचारियों का सातवां वेतन आयोग आज दिनांक तक नियंत्रित नहीं किया गया, प्रशासन उनके गुमराह कर रहा है, फाइलों को इधर के इधर रख रहा है और अपने रजिस्ट्रार अपने कार्यालय के अंदर फाइलों को उल्टी सुलटी रख रहा है, लेकिन उसको आज दिनांक तक सातवां वेतन आयोग नहीं दिया गया, जबकि राज्य सरकार की तरफ से बार बार इनको अवगत कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, माननीय कुलपति के द्वारा निकाले गए आदेशों की भी अनुपालना नहीं कर रहे हैं। और वो जो रिकवरी का विषय है उसको लेकर के हमारे निर्दोष कर्मचारियों को भी उसके साथ में घसीटा जा रहा है, तो हम न्याय अभी जिन निर्दोष कर्मचारियों के लिए न्याय के लिए हम राज्य सरकार को भी बार बार गुहार कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी इनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपयों का चूना लगा चुके अभी तक। आज आपने क्या किया? आज हमने माननीय कुल सचिव महोदय को अवगत कराया कि हमें 20 तारीख तक उन्होंने हमें कमिटमेंट दिया कि हम 20 जुलाई तक हम आपका सातवां वेतन आयोग निर्धारित कर दिया जाएंगे, जिनके किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं है उन सभी पदों के, तो उन्होंने आज हमको ये आश्वस्त किया कि 20 तारीख तक मुझे और समय दो। अब हम 20 तारीख के बाद में यदि हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम पूरे संघर्ष के साथ में डट करके हम मुकाबला करेंगे और राज्य सरकार को भी बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपका नाम? गोपाराम। आज तक इतनी साल में 2 साल हो गई, अभी तक सातवां वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सब हमारे प्रमोटी है कर्मचारी बाबू बने उनका सहयोग करेंगे, पूरा सही कर्मचारी एन हमारा आधे कर्मचारियों का फिक्सेशन हो गया है, आधे का हुआ नहीं है,
इसलिए हम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। आज ही हम मिल के आए थे, उनको टाइम दे के आए कि भाई कि हम 20 तारीख तक शांति जलेंगे, उसके बाद हम जो कदम उठाएंगे सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। गुट्टाराम सेन।